एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग मास्टर। नाउ यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद क्वेश्चन पेपर ऑफ एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है, जो कि 2021-2022 में हुआ था। जो भी स्टूडेंट एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने वाले हैं यानी 2022 में, तो उनके लिए बेनिफिटेड होगा ये वीडियो। आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा ताकि आप आने वाले एग्ज़ाम का पैटर्न का पता चले कि क्वेश्चन पेपर किस किस बेसिस पर, किस किस क्वेश्चन और किस किस टॉपिक से पूछता है और कैसे पूछता है। ओके, नाउ स्टार्टेड माय टुडे वीडियो। फर्स्ट है पीजीएम, जो 1258 से है। एमकॉम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2021-22। ये क्वेश्चन पेपर है मेरा इकोनॉमिक्स एनवायरमेंट का। कॉमर्स का एक कोड नंबर है 518। टाइम टेकन है 2 आवर्स और मैक्सिमम मार्क्स है 60। एक्चुअली टाइम टेकन होता है 3 आवर्स का होता है और मैक्सिमम मार्क्स 100 मार्क्स के होते हैं, बट कोविड के बाद से एग्ज़ाम टाइम पे ना होने की वजह से ये सिर्फ 2 घंटे के और 60 मार्क्स में इंक्लूड है। ओके, तो जैसे कि ये नोट है, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन कैरीज इक्वल मार्क्स। जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे सब इक्वल मार्क्स के हैं। जैसे कि सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। यूनिट फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारा कि बिजनेस ऑफ ए बिजनेस इज बिजनेस इज द गिवन स्टेटमेंट क्वोटेड बाय मिल्टन फ्रेडमैन एनी रिवलेंस इन टूडेज एरा एनुमरेट। हिंदी में है, व्यापार का व्यवसाय व्यवसाय है, मिल्टन फ्रेडमैन द्वारा अधात किया गया कथन आज के युग में किसी भी प्रासंगिकता का है। गणना कीजिए या और अथवा, या तो पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करें या फिर ये वाला क्वेश्चन। जैसे कि इसमें क्वेश्चन है, राइट डिटेल नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर विस्तृत टिप्पणियाँ लिखिए। ए एनवायरमेंट प्रोटेक्शन पर्यावरण संरक्षण, बी सनराइज सेक्टर ऑफ इंडिया भारत का सनराइज सेक्टर, सी क्या है कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक एनवायरमेंट आर्थिक वातावरण के घटक। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द एलपीजी एज पर द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। सपोर्ट योर आंसर विथ सुटेबल केस स्टडीज एंड एग्जाम्पल्स। नई औद्योगिक नीति 1991 के अनुसार एलपीजी क्या है, उपयुक्त केस स्टडी और उदाहरणों के साथ अपने उत्तर का समर्थन कीजिए। और यानी आत्मा, यानी सेकेंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, डज डेमो डिमोनेटाइजेशन हेल्प आउट हर्ट द इकोनॉमी। व्हाट वाज द इकोनॉमिक रेशनल ऑफ डिमोनेटाइजेशन इन इंडिया। क्या विमुद्रीकरण अर्थव्यवस्था को मदद या चोट पहुंचाता है। भारत में विमुद्रीकरण का आर्थिक तर्क क्या था। ओके, अब मेरा थर्ड क्वेश्चन है, यानी कि यूनिट थर्ड में थर्ड क्वेश्चन है, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI टू एलिमिनेट प्रैक्टिसेस हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन कॉम्पिटिशन, प्रमोट एंड सस्टेन कॉम्पिटिशन, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एंड इंश्योर फ्रीडम टू ट्रेड इन द मार्केट ऑफ इंडिया। कमेंट, प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली प्रथाओं को समाप्त करना, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और बनाए रखना, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और भारत के बाजारों में व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का कर्तव्य है। टिप्पणी कीजिए। या आठवां, डू वी रियली रिक्वायर ए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। हाउ डज द पीस ऑफ लेजिस्लेशन हेल्प कंज्यूमर्स, डिस्कस इन डिटेल विद एग्जांपल्स। क्या हमें वास्तव में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की आवश्यकता है। कानून का यह टुकड़ा उपभोक्ताओं की मदद कैसे करता है। उदाहरण सहित विस्तार से चर्चा कीजिए। ओके, यूनिट फोर का मेरा फोर्थ क्वेश्चन है कि देयर वॉज ए लॉट्स ऑफ स्टोरीज अबाउट कंट्रीज इम्पोजिंग ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस एंड एक्सपोर्ट बैन्स ऑन मेडिकल प्रोडक्ट्स। एट द स्टार्ट ऑफ द COVID-19 वायरस आउटब्रेक RWTO मेंबर्स अलाउड टू डू डैट, डिस्कस। हिंदी में है, COVID-19 वायरस के प्रकोप की शुरुआत में चिकित्सा उत्पादों पर व्यापार प्रतिबंध
और निर्यात प्रतिबंध लगाने वाले देशों के बारे में बहुत सारी कहानियाँ थीं। क्या विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों को ऐसा करने की अनुमति है? चर्चा कीजिए। और फोर्थ क्वेश्चन का ये है आत्मा, और What is the Sangessen's area? Does the European Union EU have a trade policy and process? Schengen क्षेत्र क्या है? क्या यूरोपीय संघ की कोई व्यापार नीति एवं प्रक्रिया है? Okay. Thank you so much for watching my video.